सुई को देख करके बार बार डरना, सुई को देखकर घबराना, सुई को देखते ही पैनिक हो जाना। यदि आपके साथ भी इस तरीके का कुछ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप भी सुई को देखकर डर जाते हैं, आप भी सुई को देखकर घबराते हैं, आपको भी एंग्जाइटी होती है, आप भी पैनिक हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सुई से जो हमें डर लगता है वह हमारा डर काल्पनिक होता है, वह हमारा जो डर होता है वह अतार्किक होता है, जिसका कोई तर्क नहीं होता। वह जो हमारा डर होता है वह तर्कहीन होता है। तो उस डर से हमें किस तरीके से बाहर निकलेंगे यह समझना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह डर है क्या, एक्चुअल में क्या सच में यह डर है। तो मैं इसमें बात करके चलूं, जो सुई का जो हमें डर होता है वह एक्चुअल में डर नहीं होता, वह हमारे डर का डर होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमें सुई से डर लगता है वह हमारा डर नहीं होता, वह हमारे डर का डर होता है। इसको थोड़ा समझते हैं किस तरीके से होता है। सोचिए, बचपन में आपके मदर फादर आपको डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो वहां पे आपको भी पता था कि आपको इंजेक्शन लगवाया जाएगा, परंतु आपको इसका बहुत ही डर रहता था। एक्चुअल में वह डर नहीं था, वह डर का डर था कि वहां जाने के बाद इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा। ये तो हमें भी पता है कि इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन लगने से हमारी मौत तो होने वाली है नहीं उस डर की वजह से, ये भी हमें पता था, परंतु फिर भी हमें डर था कि इंजेक्शन लगेगा। तो वह क्या था, हमारे डर का डर था जो कि हमने खुद से पैदा किया था। डर को हमने इतना अत्यधिक मात्रा में पैदा कर लिया और उस बात को हमने अपने अवचेतन मन में इस कदर बैठा के रखा हुआ है कि वह अब भी हमें परेशानी देता है। तो वर्तमान में जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है वह हमारा पिछला डर है, जिसकी शाखाएं अब अवचेतन मन में अपना एक समूचा संसार इकट्ठा कर चुकी है। जो अभी वास्तव में हमें डर लग रहा है वह डर हमारा पुराना है और वह हमारे अवचेतन मन में इस कदर बैठ गया है कि उससे अब हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में परेशानी होती है। उस तरीके की किसी भी चीज को देखते हुए या अगर हम मोबाइल में कोई वीडियो भी देख लेते हैं तो हमें उस तरीके के सिम्टम उत्पन्न होने लग जाते हैं और उसी तरीके की परेशानी होने लग जाती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो यह चीज हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई है। तो यदि आपको भी इस डर से छुटकारा पाना है, इस थॉट से बाहर निकलना है, तो आपको सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सीबीटी का प्रैक्टिस करने के बाद, अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करने के बाद, आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आपको इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।